राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनधन खाते पर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जनधन खाता धारकों के अकाउंट से 164 करोड़ रुपए काट लिए गए। इस पर सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि जनधन खाते में जो पैसा जमा हो रहे हैं वो तो जनता के हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने पर बनी हुई है और जनता पूरी तरह से मोदी जी के जाल में उलझ गई है। यहाँ पर जनधन खाते पर अब राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सरकार ने ये खाता शुरुआत ही इसलिए करवाया था ताकि आने वाले समय में सरकार को बड़े स्तर पर फायदा हो। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 164 करोड़ रुपए आखिरकार जनधन खाता धारकों के खाते से क्यों काटे, लेकिन इतना तो साफ है कि फिलहाल इसमें बैंक और सरकार की कुछ ना कुछ मिलीभगत तो दिखती नजर आ रही है। हालांकि आने वाले समय में ये साफ हो ही जाएगा कि आखिरकार इतने करोड़ों रुपए क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काटे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार हर मुद्दों पर नजर बनाए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी इस वक्त हर मुद्दों पर नजर बनाती दिखाई दे रही हैं और जनता की मुश्किलों पर काम कर रही हैं और सरकार की आलोचना करती दिखाई दे रही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।